गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वायर है जो कि नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्टेड है, है ना, 50 एम्पेयर की करंट इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब ये करंट कितनी है हमारी 50 एम्पेयर की, हमको पता क्या करना है, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एंड डायरेक्शन भी निकालिए एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यानी कि वायर से टू, अब ईस्ट यहाँ होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ से हमें कितने डिस्टेंस पर निकालना है, 2.5 मीटर पर निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पी ले लिया। अब पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लें, पिछली क्वेश्चन की तरह ही भी ये आंसर जो है इसमें फार्मूला लगेगा 2i/r। तो देखिए यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁷, 2i की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 2.5। अब डेसिमल प्लेस हटेगा तो ये जीरो ऐड हो जाएगा, ये 20 टाइम्स चला जाएगा, तो ये जाएगा 40 × 10⁻⁶। अब एक जीरो यहाँ ख़त्म कर देंगे, सॉरी -7, तो एक जीरो यहाँ से -7 से ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा -6, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये तो बात हो गई हमारी मैग्नीट्यूड की। अब हमको निकालना है डायरेक्शन, तो देखिए ध्यान समझिए, नॉर्थ टू साउथ है, मतलब ऐसा आप मान लीजिए नीचे जब की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो आप नीचे की तरफ ऐसे करंट फ्लो कराते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ, नॉर्थ टू साउथ यानी कि ये ऐसे, ये अंगूठे को आपने नीचे कर दिया, तो हमारी उंगलियाँ किस तरह दिखाई दे रही हैं, ऐसे दिखाई दे रही हैं, इस तरह से। अगर हम नीचे अंगूठा करते हैं तो उंगलियां हमारी कहाँ दिखाई दे रही हैं, इस ऐसे डायरेक्शन दिखा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये डायरेक्शन करंट की है, तो इसमें जो है डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। देखिए बताया था मैंने कि ये जो है मैंने नीचे की तरफ करंट मानी है ऐसे, तो ये डायरेक्शन जो होगी ये वाली, ये होगी क्लॉकवाइज। देखिए डिपेंड करता है कि आपने नॉर्थ साउथ कैसे माना है। हमने क्या माना है कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, और इधर वेस्ट ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अगर आप प्लेन ऑफ द पेपर के लिए बात करते हैं, कि प्लेन ऑफ द पेपर में अगर हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब आंसर बदल जाएगा, चीज़ वही रहेगी, इसमें कोई नहीं। ये तो भाई डिपेंड करता है कि आप नॉर्थ साउथ कहाँ किस डायरेक्शन मान रहे हैं। मान लीजिए आप जैसे ये पेपर है, इस पेपर में हमने नॉर्थ ऊपर माना और साउथ नीचे माना, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रही करंट, यानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे, ये तरीका है, आप ऐसे समझ लें कि ये तरीका है इस तरफ से। तो चूंकि अब मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको कैमरे में, अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट हमारी क्या बननी चाहिए, तो देखें जो है इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है, तो जब करंट फ्लो हो रही है तो ये जो उंगलियाँ हमारी दिख रही होंगी आपको ऐसे, है ना, ये ऐसे, तो यानी यूँ ऐसे जो है इस तरह से परपेंडिकुलर पेपर में, जो प्लेन, अब हमने प्लेन माना है पेपर को, वो परपेंडिकुलर जो है अपवर्ड की तरफ होंगी, जैसे ऐसे करके ऐसे अपवर्ड ऊपर जा रही होंगी। और इधर देखेंगे, चूंकि इस पॉइंट पर हमको देखना है, अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो हमारी जो है नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये भाई उंगली जो हमारी उंगलियां हैं वो ऐसे राउंड कर रही है ना, तो ये इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ दिखाएगा, और इस पॉइंट पर अगर इधर की बात करते हैं हम तो वेस्ट की तरफ, तो ये नीचे की तरफ दिखाएगा। तो चूंकि हमें पॉइंट पी पर बताना है, तो एट पी हम ये कह सकते हैं कि अपवर्ड परपेंडिकुलर, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको हम क्वेश्चन में डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चा, गुड बाय।